एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय यात्रा। दिस इज स्पाइल कश्यप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन बच्चों का जन्म होता है और जन्म के बाद आप कुछ बच्चों में एक प्रॉब्लम देखते हो कि उनकी नाभि जो होती है, जो बेली बटन होता है, वो कुछ फूला हुआ सा, कुछ उभरा हुआ सा दिखाई देता है। कभी कभी कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जो नाभि होती उस जगह पर पानी जैसा, कुछ ब्लड जैसा आपको दिखाई देता है। जब बच्चा रोता है तो वो और बढ़ता है, वो कुछ अजीब सा खुला खुला सा दिखाई देता है, मतलब वो जल्दी घाव जैसा दिखता है, वो भरता नहीं है। तो ऐसे में पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ऐसे सिचुएशन में वो क्या करें। और ये भी देखा जाता है कि कुछ बच्चों का जो गर्भनाल होती है वो जल्दी से सूख करके निकलती नहीं, ऐसे कंडीशन में वो उसे कैसे जल्दी से बच्चे के शरीर से अलग करें। तो ये तीनों ही प्रॉब्लम का सल्यूशन और रीज़न दोनों मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा न्यूली पेरेंट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो गर्भनाल होती है, जो बेली बटन होती है, जो उभरी हुई सी दिखती है, जो सूजी हुई सी दिखती है, ये क्यों होता है, क्या रीज़न है। देखिए क्या होता है, जब बच्चा पेट में होता है, माँ के साथ कनेक्टेड होता है, उसकी जो प्लेजेंटा होती है बच्चे की गर्भनाल से कनेक्टेड रहते हैं। जो भी बच्चा खाना वगैरह पाता है, जो भी न्यूट्रिशंस, जो भी ब्लड वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह मिलती है, वो माँ के जरिए उससे गर्भनाल के द्वारा ही उसे मिलती रहती है। इससे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। पर जैसे ही डिलीवरी होती है, बच्चा बाहर आता है, वो गर्भनाल काट दी जाती है। चूँकि उसमें कोई भी नस वगैरह नहीं होती है तो बच्चे को कोई भी पेन नहीं होता है, और काट करके वहाँ उसे क्लिप से क्लिपिंग कर दी जाती है ताकि वो अपने आप ही जल्दी से जल्दी झड़कर निकल जाए। और नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो वो 15-20 दिन, महीने भर के अंदर अपने आप ही सूख करके निकल जाती है बच्चे से। बट अगर वो चीज़ अगर टूट के अपने आप नहीं निकल रही, सूख के नहीं निकल रही है, तो उसके लिए आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस जगह पर मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स डेली डालते रहना है। अगर वहाँ किसी भी तरीके का कोई भी सूजन, कोई भी कालापन, कोई भी नीलापन या कोई रेडनेस या फिर कोई पानी या ब्लड नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में अगर है बच्चे की बेली बटन, तो आपको गर्भनाल निकालने के लिए सिर्फ सरसों की 2-3 ड्रॉप्स सुबह और शाम आपको डालना है। वो 15 दिन के अंदर ही जल्दी से जल्दी अपने आप सूख कर निकल जाएगी। ये तो बात हो गई कि आप कैसे जल्दी से गर्भनाल को बच्चे से निकालें। अब अगर गर्भनाल जो सूख करके निकल चुकी है, अब फिर भी आपका जो बच्चे का बेली बटन है वो तब भी सूजा हुआ, उभरा हुआ सा दिखाई दे रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, तो इसे इम्बिलिकल हॉर्निया भी बोलते हैं। तो ऐसे में जो बेली बटन के अंदर वाला जो एरिया होता है, जो बेली बटन के किनारे वाले एरिया होते हैं, वहाँ स्टमक के कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो आके कलेक्ट होने लगते हैं। ये कलेक्ट होने लगते हैं तो वो उभरा हुआ सा आपको दिखाई देने लगता है। ऐसे में जब बच्चे प्रेशर से रोते हैं, पॉटी के लिए प्रेशर लगाते हैं, तो बच्चे को ये इस तरीके की ऊपर उठी हुई ये नाभि, बेली बटन दिखाई देती है। क्योंकि ये बेली बटन के आसपास का जो रिंग होता है, जो एरिया होता है, वो उस समय पर वीक होता है, कुछ बच्चों का ज़्यादा वीक होता है, तो ऐसे में उन मसल्स को स्ट्रांग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ऐसे में ही अगर वो वीक है और ऐसे में ही जो स्टमक के जो पार्ट्स हैं वो कनेक्ट होते जुड़ते जाते हैं, उस जगह पर चिपकने लगें, तब फिर वो उभरा हुआ सा कुछ ज़्यादा दिन तक आप देख सकते हो। पर जैसे ही वो मसल्स स्ट्रांग होने लगेंगी, वैसे वैसे समय बीतते बीतते वो अपने आप अपनी पोजीशन में आ जाएगा। इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, अगर 5 साल तक बच्चे की एज इट इज़ प्रॉब्लम ये बनी हुई है, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि 1 साल तक तो ये प्रॉब्लम अपने आप सही हो जाती है, आपको वेट करना चाहिए। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। और अगर ऐसे कंडीशन में अगर ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व नहीं होती है, तो एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, उससे बच्चे की ये प्रॉब्लम सही हो जाती है। अच्छा, हमने कई लोगों से ये भी सुना है कि उस बेली बटन को अंदर करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि उस जगह पे सिक्के को लगा दो, सिक्के को हल्का गर्म करके उस जगह पे टेप से चिपका दो तो उसे सही हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी बकवास चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में मत पड़िए। बच्चे की ये कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है, अपने आप ही सही हो जानी है, तो ये सारे ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि इससे और इन्फेक्शन बढ़ सकता है अगर आपके बच्चे की गर्भनाल में थोड़ा सा भी कहीं भी
थोड़ा सा भी इश्यूज होगा तो वो बढ़ सकता है। तो ये सारे चक्करों में आप बिल्कुल भी मत फंसिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ बच्चों में आप देखोगे कि नाभि वाली जगह पे आप कभी कभी ब्लड देखोगे, कभी कभी उस जगह पानी आ रहा है, कभी कभी आप देखोगे बिल्कुल कटा कटा सा दिखाई देता है, वो सूख नहीं रहा होता है। तो ऐसे में आप क्या करें, उसे कैसे आप घर में सही करो, इसके लिए आपको कुछ सावधानियाँ पहले करनी है। पहली बात तो आपको पानी से बिल्कुल बचाना, उस जगह पे बिल्कुल भी पानी नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीज़, डायपर पहनाते हो तो उस जगह पर टच नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कपड़ा उस जगह पे टच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे हाथों से ही आपको उस जगह को टच करना है। इसके अलावा कपड़ा उस समय जो भी बच्चे को पहनाए वो कॉटन का ही हो, सॉफ्ट हो, ताकि बच्चे को आराम रहे, कंफर्टेबल रहे। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा रोने से बचाना है, और अगर बच्चे की पॉटी इश्यूज़ हैं तो उसको सॉल्व करना है। ये चीज़ आपको पहले करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक पाउडर आता है, किसी भी तरीके का पाउडर आपको नहीं लगा देना है उस जगह पे। उस जगह के लिए एक स्पेशली बच्चों वाला पाउडर आता है, उस पाउडर का नाम है नियोमाइसिन सल्फेट बेसिट्रेसिन एंड सल्फासिटामाइन पाउडर, जिसे कि आपको भरना चाहिए। भरने का भी एक प्रोसेस होता है, आप ऊपर से ही उसको बस ऐसे छिड़क दो ऐसे नहीं भरना है, थोड़ा सा हल्के हाथों से, साफ हाथों से हल्का सा उसको उठाना है। आप देखोगे कि वो हाँ पानी पानी सा दिखेगा, उस जगह पे आपको अच्छे से उस जगह पे आपको वो पाउडर को फिल कर। ये पाउडर जो भी बच्चों को कटे फटे जगह पे भी लोग इस्तेमाल करते हैं, हालांकि मैंने अपने बच्चे के लिए नाभि में इसको इस्तेमाल किया था, जो कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने अपने बच्चे के लिए यही, ये देख सकते हो आप, मैंने अपने बच्चे के लिए यही इस्तेमाल किया था। इसका नाम आप नीचे देख भी सकते हो, मैंने स्क्रीन पर भी लिख दिया है, और हो सकता है कि आप थोड़ा सा नाम चेंज हो गया, चूँकि मैंने इसको एक साल पहले ही यूज़ किया था अपने बच्चे के लिए, हो सकता है आप थोड़ा नाम चेंज हुआ हो, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। बट इसी पाउडर का इस्तेमाल करके अपने बच्चे का मैंने सही किया था। दिन भर में आपको 2 से 3 बार इसे लगाना है, लगाने के बाद आराम से बच्चे को, और हाँ इसको ध्यान रखिएगा जब बच्चा सो रहा हो तभी लगाइएगा, ताकि आराम से बच्चा लगाने दे, अदरवाइज वो छूने नहीं देगा उस जगह को, और रोएगा सो अलग। इसके अलावा ये आपको 3 से 4 दिन, अगर 3 से 4 दिन भी नहीं सही हो रहा है तो आप हफ्ते भर डेली इसको लगाओ, जब तक कि वो बिल्कुल सूख ना जाए। हाँ कभी कभी होगा 2-3 दिन तक आपको लगेगा हाँ सूखने लगा है, मगर जैसे ही बच्चे फिर से प्रेशर से रोते हैं या पॉटी करते हैं तो वो चीज़ फिर से खुली हुई आपको दिखाई देगी। तो आपको ये तब तक भरते रहना है, 1 हफ्ते तक आपको लगातार भरते रहना है, जब तक कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से वो वाला एरिया अच्छे से जुड़ नहीं जाए, बिल्कुल सही ना हो जाए, ठीक है। और एक बात का आपको और खास ध्यान रखना है, जब भी पानी वाली सिचुएशन आ रही हो या ब्लड आ रहा हो, वो जल्दी सूख नहीं रहा हो, तो ऐसे में ही उस समय बच्चे की उस जगह पे प्रेशर से मसाज को अवॉइड करें, और किसी भी तरीके के ऑयल को उस जगह पे मत डालें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ऑयलिंग डालते रहो, वो उस कंडीशन में होता है कि जब कोई भी इन्फेक्शन ना हो, बिल्कुल नाभि की कंडीशन बिल्कुल सही हो, वो गर्भनाल को सुखा करके निकालने के लिए तरीका होता है। बट अगर बच्चे के नाभि में इन्फेक्शन है तो आपको उस जगह पे कोई भी तरीके का ऑयल पानी वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, मसाज भी अवॉइड करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बच्चों की नाभि से जुड़ी हुई मैंने ये दोनों प्रॉब्लम का सलूशन आपको दे दिया। हालांकि मैंने ये जो ब्लड आता है और ये जो पानी आता है, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, आपके साथ शेयर की थी, आप उस वीडियो को भी जा करके देख सकते हो, मैंने डिटेल से बताया था कि आपको कैसे इसे यूज़ करना चाहिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और लाइक कॉमेंट शेयर ये सब चीज़ें बनाए रखिए हमारे चैनल पर, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।